नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार की यात्रा पर निकले हैं और सबसे पहले दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर को ही टारगेट बना रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है ये आप समझिए। ये तीन डिस्ट्रिक्ट मिलकर के ही इस बार एनडीए को बढ़त दिलाई थी, जिससे बिहार में सरकार एनडीए की बनी थी। इसलिए तेजस्वी यादव ने समस्तीपुर की धरती से प्रारंभ किया है और 12 तारीख को दरभंगा पहुंचेंगे। दरभंगा पहुंचने से पहले 11 तारीख को ही दरभंगा के सांसद रहे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मोहम्मद अली असर फातमी, जो कि मधुबनी लोकसभा से उम्मीदवार रह करके आरजेडी से चुनाव हार चुके हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने कहा, बहुत बातें को गिनाए, उन्होंने कहा कि जो भी कार्य आप देख रहे हैं जमीन पर, वो सभी यूपीए वन का है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, सभी कुछ। उन्होंने कहा कि एनडीए कुछ नहीं करे, केवल बात बना रही है। और इसी को लेकर के तेजस्वी यादव जब यहाँ आएंगे तो पूरे कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके बात करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात जो कही वो ये था कि 2005 से पहले जो कुछ था, अब 2024 में क्या कुछ हुआ? कुछ नहीं बदला, जो पहले था उसी आधार पर चल रहा है, यानी 2005 के आधार पर ही चल रहा है। तो फातमी जी को ये भी समझना चाहिए कि समस्या बदल गई है, परिदृश्य भी बदल गए हैं, और आप भी 2005 से पहले जितने आप कद्दावर नेता कहे जाते थे, 2024 में आपका स्थान कहाँ है राजद में? ये बातें हम नहीं करें, ये राष्ट्रीय जनता दल के नेता कह रहे हैं। और खासकर तेजस्वी यादव और आपके सामने, यानी मोहम्मद अली असर फातमी के सामने भी चुनौती है और उनकी जिम्मेवारी भी, कि जन सुराज में जा रहे मुस्लिम संप्रदाय के वोटरों को वापस लाना। वापस लाने के मतलब समझिए, बहुत जा भी चुके हैं, ऐसे वापस लाने के नाम पर कितने कतराते। देखिए, मोहम्मद अली असर फातमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए ये दो मुद्दे पर भारत सरकार दरभंगा और मिथिलांचल के लोगों को ठग रही है लगातार। आप कई सालों से सुन रहे होंगे कि एम्स आ गया, एम्स आ गया, अब दरभंगा शहर में शुरू हो रहा है, डीएमसीएच एरिया में जमीन उसके लिए लिया जा रहा है। फिर आया कि नहीं साहब सोभन जाएगा, सोभन के बाद फिर आया कि लोहाम जाएगा, अब सुनने में आया है कि शायद सोभन में इन लोगों ने तय किया है, और वो भी अभी तय है या नहीं है इसको ठीक तरह से ऐलान नहीं हुआ, उसका ऐलान होना चाहिए। फिर अब तक ड्राइंग नहीं बनाया, अब तक कोई आवंटन नहीं हुआ पैसे का, जितना मुझे जानकारी है। तो ये लगातार क्यों ठग रहे हो दरभंगा के, मिथिलांचल के लोगों को? अरे कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, बिहार की आबादी इतनी बड़ी है और दो एम्स खुल रहा है बिहार के अंदर, तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि थोड़ी है। ये जो गाल बजाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और जनता दल यू वाले, कहते हैं कि साहब एम्स जा रहा है दरभंगा, कोई एहसान नहीं है। आज दरभंगा पर कोई बड़ा एहसान नहीं करने जा रहे हो आप, दरभंगा तो पटना के बाद दूसरा मेडिकल हब आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। यहाँ सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स अगर कहीं पटना के बाद है तो यहाँ है, और बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पैदा हुए। तो एम्स तो मिलना ही था दरभंगा को, लेकिन कब मिलेगा दरभंगा की जनता जानना चाहती है कि कब काम शुरू होगा और कब यहाँ के लोगों का इलाज बात हो पाएगा। आप तो एक पीढ़ी को गुजार दीजिएगा इसी तरह से वादों में। दरभंगा और मिथिलांचल के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्पष्ट कीजिए कि जमीन फाइनल हुई या नहीं, नंबर वन। नंबर वन के बाद नंबर टू, कब तक उसकी ड्राइंग तैयार होगी, कब उसमें काम शुरू होगा और कितने दिन में शुरू होगा। इसलिए कि अभी भी लाखों लोग इस इलाके के आज कलकत्ता, पटना, दिल्ली जाने पे मजबूर है। तो झूठ न बोले, दरभंगा के लोगों को सब्जबाग न दिखाए, जितना जल्दी हो इस पे काम शुरू होना चाहिए और काम पूरा होना चाहिए। दूसरी तरफ ये एयरपोर्ट,
मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को बोलते हुए। ये कब बना है एयरपोर्ट, आप लोगों को मालूम है इतिहास? इतिहास मालूम रहना चाहिए। बिहार का पहला दो एयरपोर्ट पटना में नहीं बना था, रांची में नहीं बना था, गया में नहीं बना था। पहला दो एयरपोर्ट दरभंगा महाराज ने एक पूर्णिया में बनाया था, दूसरा दरभंगा में बनाया था। और ये दोनों 1931-32 में बनके तैयार हुआ। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की सबसे पहली कंपनी दरभंगा एविएशन के नाम से रजिस्टर हुई, जिसके पास अपनी जहाजें थी। अब वो दरभंगा भी उतरती थी, पूर्णिया भी उतरती थी। कहते कमाल कर दिया, हमने ले लिया उसको उड़ान योजना में। पहले भी बीच में चली थी उड़ान योजना, कुछ दिन चली फिर बंद हो गई। और आपने अब तक कोई परमानेंट व्यवस्था तैयार नहीं किया है। आज भी रात में जहाज नहीं उतरती, कितना साल हो गया बोलो? अभी 6 महीने में तैयार हो रहा है, कभी कथा 4 महीने में हो रहा है। कब जहाज जो है हर मौसम में उतरेगा, इसका इंतजाम कब होगा? कब सुविधा जो है जो लोगों को मिलनी चाहिए? आज जाइए देखिएगा क्योटी वाले रोड पे जाने कहां तक गाड़ियां खड़ी रहती हैं, कार पार्किंग की जगह नहीं है, आदमी के बैठने की जगह नहीं है, आने वाले को भी और जाने वाले को। तो ये कहने का बहुत बड़ा एहसान कर दिया इस दरभंगा 1932 में एयरपोर्ट रखता था, बाद में वही एयरफोर्स को गया। अरे एयरफोर्स की तो पूरा कमांड है, आप जानते ही हैं कि उसकी जहाजें यहाँ उतरती हैं, फाइटर प्लेन, और उसका यहाँ पर इंतजाम भी है, सब तरह का व्यवस्था है यहाँ। तो ये सिर्फ मैं ये कहूंगा कि सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। बिहार सरकार ने जमीन दिया, कितना साल हो गया? अब कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर आ गया, भाई कितना साल लगाओगे बनाने में? आप बनाइए जल्द से जल्द, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि यहां बहुत पोटेंशियलिटी है। यहां से यहां ये रामायण सर्किट में भी आ जाएगा ये इलाका। आप जानते ही हैं सीता जी की पैदाइश यही जनकपुर में हुई थी, तो उस सर्किट में भी आता है। फिर यहां से विदेश में बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, गल्फ के अंदर, फार ईस्ट, यूरोप, सब तरफ यहां से।